मैं अपराधों की महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे समर्पण करने के लिए समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने का। मैं इस सदन पे विश्वास है, यहाँ उर्दू संस्कृत हिंदी का ये समुन्दर है, इस समुन्दर में मुझे डूबने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। ये जो प्रेसिडेंट के भाषण में, इसी में मुझे गीता आता है, इसी में मुझे कुरान दिखाई देता है, और इसी में मुझे बाइबल दिखाई दे रहा है, और इसी में मैं गुरु ग्रंथ साहिब दिखाई देता है। इस पार से भी इतना आवाज और हमारे यहाँ से भी इतना आवाज, लेकिन इसी प्रेसिडेंट स्पीच में यही गीता का आवाज है, यही कुरान का आवाज है, यही गुरु ग्रंथ साहब का आवाज है, ये नए भारत की आवाज है। मोदी जी का दिशा में दशा में भारत वर्ष को, भारत माता को आगे ले जाना का शब्द इधर समा है। यहाँ भूतकाल है, यहाँ वर्तमान है, यहाँ भविष्य है। मैं उस प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से, जिसको बार बार हमारे पड़ोसी क्लेम करता है कि हमारा टेरिटरी है, लेकिन मोदी जी जब भी अरुणाचल प्रदेश आता है, हमारा प्रदेश को जो हिंद का प्रदेश नाम दिया गया है, वहाँ हर कोई किसी से मिलते हैं तो जय हिंद से स्वागत करते हैं। इसलिए मैं भारत वर्ष और इस सदन को आज ये वादा करता हूँ, कोई भी भारत अरुणाचल के कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो चाइना की ओर देखे, ये भारत वर्ष का हिस्सा है और भारत वर्ष की ही बेटा है। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं चेयरमैन जी, मैं देखता हूँ समय कम है, मैं दोबारा यहाँ आया हूँ पार्लियामेंट में। मैं उस पार बैठ के हम भी सिल्लाते थे, लेकिन उस सिल्लाई में कोई गहराई नहीं है। मैं उस पार बैठ के हम भी बहुत जोरदार हल्ला करते थे, लेकिन इस बार रूरल इंडिया के दिल में, आंखों में, खानों में मोदी जी का आवाज गूंजे है। उस आवाज में सबका साथ था, उस आवाज में सबका विकास था, उस आवाज में सबका विश्वास था, इसलिए हम दोबारा यहाँ सुन के आए हैं। और मैं चेयरमैन साहब ये बताना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर राज्यों में 8 स्टेट है, इसमें से आप लोगों में भी बहुत कम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। जब भी मुझे परिचय होने का मौका मिलता है, आप शिलोंग से है ना, वेरेस मेरा कैपिटल ईटानगर है। इसमें हम वंचित थे, मेघालय वंचित थे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल वंचित थे। आजादी के 70 ईयर्स में मोदी जी आने का बात ही, आज मेघालय में रेलवे क्या है, त्रिपुरा में रेलवे क्या है, yes। और अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में 2 साल के बाद, मिजोरम में 2 साल के बाद रेलवे का नक्शा में जुड़ा है ये मोदी जी। इसलिए मोदी जी को मैं भगवान का अवतार के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने लुक इस पॉलिसी यूपीए सरकार ने दिया था। मोदी जी ने कहा लुक इससे नहीं होगा, एक इस पॉलिसी के आधार पे मुझे हमें रेलवे में जुड़े। एक इस पॉलिसी के आधार पे पहली बार गुवाहाटी से मैं अपना होम टाउन पासीघाट में फ्लाइट से लैंडिंग करने का मौका मिला। जो सपना हमारा फोर फादर्स ने देखा था, यही सपना मोदी जी ने किया है। ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर में बोगीबील ब्रिज, जिसमें हम 2 घंटे लगते थे डिब्रूगढ़ मेडिकल जाने के लिए, 9 मिनट में मैं आज डिब्रूगढ़ पहुंचता हूं। जिसमें आलूबारी ब्रिज जुड़े, दिबांग ब्रिज जुड़े, ये केवल हम पब्लिकों के लिए नहीं है, ये सीमा सुरक्षा और देश का हित में, उसी पुल से हमारा मिलिट्री जाते हैं, उसी पुल से हमारा आर्म्स एमुनेशन जाता है, और हम बिना हथियार से भारत वर्ष को रक्षा करके करा हूँ। हमारा प्रदेश में आज पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर,
द मोस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर बाय द आज तक. इन्होंने डिक्लेयर किया ऐसा एक प्रोमिसिंग लीडर के साथ आज अरुणाचल प्रदेश है और भविष्य आने वाला काल भी ये पेमा खांडू भारत वर्ष से सबसे एक नंबर वन मुख्यमंत्री बनेंगे. ये केवल बनने से नहीं होता है, लोगों का दिल में चाइना बॉर्डर में नरेंद्र मोदी जी का सिलेंडर पहुंचाया, बहुत सा ऐसे माँ बहने के दिल में आंखों में आंसू निकलते हुए सिलेंडर को पकड़ते हुए हाथ कांपते हुए ये मोदी जी ने भेजा है क्या? यही सपना था अंतदया जिसमें हमारा नरेंद्र मोदी ने चाइना बॉर्डर तक आज सिलेंडर पहुंचाया है और मेडिकल सिक्योरिटी दिया है और बहुत से टेलीकॉम में और एयर सर्विस में सारा सब किया है. तो चेयरमैन साहब, इसलिए मैं मोदी जी को मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, जब इस दुनिया में जब भी अत्याचार होता है शायद मोहम्मद परवेज को भी इंसान के रूप में इनको भी इस दुनिया में भेजा है. जब जब यहाँ इस दुनिया में अत्याचार होता है बत्तचार होता है तब तब शायद राम को भी इंसान का रूप में भेजा है. मैं मोदी जी को भी उस रूप में देखता हूँ आने वाला काल का भारत को आगे करने के लिए. नमस्कार.